अक्षी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के रिड्यूस सिलेबस पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पार्ट में हम चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 15 के रिड्यूस सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 10 से जो आपका टॉपिक रिमूव हुआ है उसमें आपकी फर्स्टली सबसे पहले थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 10.5। हाँ जी, थ्योरम नंबर 10.5 जो है वो आपकी सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। आपको इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, ओके? ओनली प्रूफ नहीं करना है, लेकिन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या फिर एग्जांपल्स हैं वो सब आपको करने हैं, ठीक है? और इस थ्योरम के बाद नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है थ्योरम नंबर 10.10 थ्योरम जो है वो भी आपको नहीं करनी है। थ्योरम नहीं करनी है, इसका मीनिंग ये है कि इस थ्योरम का भी आपको प्रूफ नहीं करना है, ओके? आपसे इस बार एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल्स है वो आपको करने हैं। इस चैप्टर से बस आपके यही दो टॉपिक रिमूव हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 11 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से हमें कंस्ट्रक्शन 11.1 टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल, ये हमें करना है। नेक्स्ट इसके बाद 11.2 कंस्ट्रक्शन भी आप करेंगे एंड 11.3 कंस्ट्रक्शन जो है आप उसे भी करेंगे, ओके? इन तीनों कंस्ट्रक्शंस को करने पर आपको क्लियर होता है कि आपको एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ से कोई टॉपिक आपका रिमूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास 11.4 कंस्ट्रक्शन है, ये भी आप करेंगे एंड देन 11.5 कंस्ट्रक्शन जो है उसे भी आप करेंगे, ओके? एंड 11.5 कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन है 11.6 टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन इट्स पैरामीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स, ये कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, ओके? इस कंस्ट्रक्शन को आप नहीं करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड जो आपके पास एग्जांपल है और जो क्वेश्चंस है आप उन्हें भी नहीं करेंगे। सो आपको एग्जांपल नंबर 1 नहीं करना है और एक्सरसाइज 11.2 इसका आपको क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको नहीं करना है, ओके? बाकी इस चैप्टर में से आप सभी कुछ करेंगे। अब हम चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला में से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके रिमूव हुए हैं। तो इस चैप्टर में आपकी जो एक्सरसाइज है 12.1 एक्सरसाइज, इसमें आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। तो इस पर बेस्ड जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 एंड ये कम्प्लीट एक्सरसाइज 12.1 ये आपको करनी है, ओके? 12.1 एक्सरसाइज के बाद आपके पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये टॉपिक आपको नहीं करना है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट रिमूव हो चुका है। आपको एग्जांपल नंबर 4 नहीं करेंगे और एग्जांपल नंबर 5th और 6th भी इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं, वो भी आप नहीं करेंगे, ओके? एग्जांपल नंबर 5th नहीं करना एंड एग्जांपल नंबर 6th भी नहीं करना। इसके बाद एक्सरसाइज है आपके पास 12.2, इस एक्सरसाइज को भी आप कम्प्लीटली नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आपसे क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो आपको ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 में से हमारा कुछ भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, ये चैप्टर हमारा कम्प्लीट आएगा, हमें इसको कम्प्लीट करना है, फुल करना है, ओके? नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में से जो भी टॉपिक रिमूव हुए हैं उन्हें समझने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक है, ओके? यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज है आपकी 14.1 और एक्सरसाइज 14.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और इनसे रिलेटेड आपको जो एग्जाम्पल्स हैं एंड क्वेश्चंस जो भी हैं वो भी आप सभी करेंगे एक्सरसाइज 14.2 तक, ओके? एक्सरसाइज 14.2 के बाद आपके जो टॉपिक रिमूव हुए हैं अब हम उन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो टॉपिक की हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और इसके आपके पास 3 वेज हैं, ओके? फर्स्ट है आपके पास बार ग्राफ, ये आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ, यहाँ पर आपके पास ट्विस्ट है, वो क्या है? यूनिफॉर्म विड्थ के जो हिस्टोग्राम है ये तो आपको करने हैं बट हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ ये आपको नहीं करने हैं, ओके? एंड जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स है नंबर सी पॉइंट ये भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, बार ग्राफ करना है एंड हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ये टॉपिक आपको करना है। अच्छे से समझने के लिए हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5th है, ये आपका सिंपली बार डायग्राम का एग्जाम्पल है, ये आपको करना है, ओके?
नेक्स्ट आप एग्जांपल नंबर 6 की तरफ मूव करिए। यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे भी आपको बार ग्राफ बोला हुआ है, ये भी आप करेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में आपको स्क्रीन पर ये टेबल शो हो रही होगी, इस टेबल पर आप फोकस कीजिए एक बार। यहाँ पे आपको जो क्लासेस गिवन है इसका क्लास इंटरवल क्या है, अगर आप सिंपली यहाँ से चेक करें 30.5 है एंड 30.5 से के बाद आपका जो यहाँ पे है 35.5 तक आपका जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ पर कितना है 5। अगर आप सभी में देखें, सभी क्लासेस में देखें तो भी आपको क्लास इंटरवल कितना मिल रहा है 5। दैट मीन्स ये आपका यूनिफॉर्म विड्थ का हिस्टोग्राम है। ओके, यूनिफॉर्म विड्थ वाला हिस्टोग्राम है, इसे आप करेंगे। नेक्स्ट अब आप आगे चलिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिस एग्जांपल को देखिए। ये जो स्क्रीन पर आपके पास टेबल है, टेबल 14.7, आप इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे आप देखिए आपको फर्स्ट जो क्लास है इसमें आपका क्लास इंटरवल कितना है 20, लेकिन नेक्स्ट में आपका क्लास इंटरवल कितना है 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप बार डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं उसमें जो रेक्टेंगल्स आपके पास बनेंगे उनकी जो विड्थ होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, जस्ट यहाँ पर देखिए आप 0 से लेकर 20 तक देखिए, ये रेक्टेंगल की विड्थ है। एंड नेक्स्ट आप इधर इन सभी रेक्टेंगल्स को देखिए, इन सब की जो विड्थ है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जहाँ पे भी हमारे पास ये वेरिंग विड्थ वाले रेक्टेंगल होंगे, हम इस तरह के क्वेश्चंस के हिस्टोग्राम जो है हमें नहीं करने हैं। ओके, दैट मीन्स हमें ये वाला जो एग्जांपल है हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, आगे कंटिन्यू करने पर जो सी पॉइंट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, हम इस पॉइंट को भी नहीं करेंगे। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है एग्जांपल्स है, लाइक एग्जांपल नंबर 8th हमें नहीं करना है, एग्जांपल नंबर 9th भी हमें नहीं करना है, एंड देन एक्सरसाइज 14.3। इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक वो तो आप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 to 9th। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, 7th नहीं करना, ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन पर बेस्ड है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8th भी आपको नहीं करना है एंड क्वेश्चन नंबर 9th भी आपको नहीं करना है। नाउ इस एक्सरसाइज के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं उन डाटाज का मीन, मीडियन एंड मोड ये हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस बार हमारे लिए CBSE ने मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है, सो हमें ये टॉपिक नहीं स्टडी करना है। ओके, अगर हम इस टॉपिक को स्टडी नहीं करते हैं तो इस पर बेस्ड जो एग्जांपल है, लाइक एग्जांपल नंबर 10, ये हमें नहीं करना है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, ये भी आपको नहीं करना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, एग्जांपल नंबर 12, ये भी आपका अनग्रुप्ड डेटा है। ओके, अनग्रुप्ड डेटा जो भी हमारे पास है उसका हमें मीन, मोड, मीडियन नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 भी हम नहीं करेंगे, एग्जांपल नंबर 14th भी नहीं करना है। एंड इन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 14.4, ओके, एक्सरसाइज 14.4, ये एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। ओके, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर से आपका कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ जो रेड टेक्स्ट है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।